तुम लोग मेरी हेल्प करोगे, तुम लोग मेरे को पैसा दिलाओगे, 6,10,000 रुपये और दूँ तुम लोगों को, मैं रेड एम्बुलेंस के पास नहीं लेके गया था अपनी चाची को, मैं MMI नारायणा लेकर आया था, तुम लोग क्या किए तुम लोग जानो, मेरे को क्या चाहिए मैं अभी क्लियर बता दे रहा हूँ, MMI नारायणा को बंद करो तुरंत के तुरंत, और जो रेड एम्बुलेंस है उसको भी तुरंत के तुरंत बंद करो। मैंने तो अपनी चाची खो दी भाई, मेरे को पैसे का कोई गम नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में जब होगा ना तुम लोग बहुत पछतावा होगा। छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी क्रिएटर बाबू खेमानी, जिनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इनके परिवार में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जहां रायपुर के एक बहुत ही फेमस नारायणा हॉस्पिटल की रेड एम्बुलेंस सर्विस की स्टाफ की लापरवाही के चलते बाबू खेमानी जी की चाची का देहांत हो गया है। एंड उनके भाई ने इस पर भिलाई टाइम्स को एक इंटरव्यू में पूरी घटना बताई है, जो आप देखने वाले हैं। सर, 2 तारीख को उन्हें MMI में एडमिट किया गया था, 10 दिन के इलाज के बाद बोला क्या हुआ था, उन्हें क्या बीमारी थी? सर, उन्हें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ एडमिट करने के बाद उन्हें काफ़ी दिन कभी इम्प्रूवमेंट आती थी, फिर कम हो जाती थी, फिर आती थी, फिर कम हो जाती थी, फिर हमें डॉक्टर ने रेफ़र किया कल मॉर्निंग में कि आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, हैदराबाद लेके जाइए, हम आपको हैदराबाद रेफ़र करते हैं, वहाँ आपकी मम्मी का इलाज अच्छे से होगा। वहाँ हमने बोला ठीक है, उनके कैंपस में एक रेड हेल्थ एम्बुलेंस नाम की सर्विसेज चलती है, बोले ये आपकी माताश्री को ले जाएंगे बाय एयर एम्बुलेंस बोलते हैं उसे, एयर एम्बुलेंस से ही आपकी माताश्री को ले जाएंगे। इन-हाउस कैंपस में ही है ये रेड एम्बुलेंस, कैंपस में है, उसमें क्लियर लिखा है हेल्थ नारायणा, रेड हेल्थ एयर बस नारायणा, MMI सब क्लियर लिखा है, के थ्रू ये सारी चल रही है सर उनका पूरा। उसके बाद हमने उनकी एयर बस से टाई अप किया, तो उन्होंने बोला हम बाय फ्लाइट आपकी मम्मी को ले जाएंगे, उसमें सारी फैसिलिटी रहेगी, डॉक्टर रहेगा, एक जो भी डॉक्टर के साथ जो उनकी हेल्प करते हैं कंपाउंडर वो रहेगा, आप 2 रिलेटिव साथ में जा सकते हैं पेशेंट के। हमने उनको पेमेंट की 6,11,000 बोले हमको पहले एडवांस पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपका पूरा बुकिंग कंफर्म करेंगे। हमने उन्हें पेमेंट की, बुकिंग कंफर्म करने के बाद जैसे ही हम एम्बुलेंस में बैठाया गया मेरी मम्मी को, तो एम्बुलेंस में बैठाने के बाद पहले उनकी AC नहीं चल रही थी, AC नहीं चलने के बाद उनका एक डिफ्यूजन मशीन आता है जिसमें इंजेक्शन फिट होती है और वो इंजेक्शन धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाती है, इंजेक्ट होती है धीरे धीरे एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो वो काम नहीं कर रही थी। तो मैंने जो मैडम ने मुझसे पेमेंट ली थी रेड हेल्थ एयर बस वाली मैडम ने, मैंने बोला मैडम आपकी मशीन काम नहीं कर रही है। एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा कि रेड हेल्थ एयर बस जो है उसकी पेमेंट हॉस्पिटल के पेमेंट से अलग हुई थी? जी अलग हुई थी, अलग हुई थी, अलग हुई थी, हॉस्पिटल की पेमेंट अलग थी, रेड हेल्थ एयर बस की पेमेंट अलग थी। उन्हें हॉस्पिटल वालों ने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप इनके थ्रू लेके चले जाइए, आप उनका पेमेंट उनको कीजिए, हमारा पेमेंट हमको कीजिए। उनकी पेमेंट अलग हुई थी, इनकी पेमेंट अलग हुई थी। उनको जैसे ही एम्बुलेंस में बैठाया गया तो उनकी डिफ्यूजन मशीन काम नहीं कर रही थी, तो मैंने बोला कुछ दीदी थी जिन्होंने हमसे पेमेंट ली थी, मैंने बोला दीदी देखो ये मशीन काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने सीधा पहले एम्बुलेंस का खिड़की बंद कर दिया, बोला आप यहाँ से जल्दी जाइए, आपकी फ़्लाइट खड़ी है वहाँ वेट कर रही है। मैंने सोचा ठीक है कि वहाँ अच्छी सर्विसेज होगी, एयर बस में जो फ्लाइट होती है पूरी एक एम्बुलेंस होती है, मैंने सोचा वहाँ सब मशीनें होगी, अब ठीक है 10 मिनट की बात है, जल्दी ले जाते हैं मम्मी को। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हम अपनी एयर बस में चढ़े, वहाँ मेरे साथ मेरे बड़े भैया भी थे, 2 लोगों का बोर्डिंग पास हमें मिला गया, हम फ्लाइट तक पहुँचे। बोर्डिंग पास किसने दिया था? मतलब एयरपोर्ट से ही हमें बोर्डिंग पास मिला। मतलब आप लोगों ने अपने तरफ से बुक किया था कि रेड वाले? रेड हेल्थ एयर बस उन्होंने 2 लोगों का करवाया था जी, उन्होंने मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल 2 मेंबर जा सकते हैं जी, उन्होंने बोला था पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव जा सकते हैं, मैं एक जा रहा था, एक मेरे बड़े भैया जा रहे थे, तो उनका बोर्डिंग पास सब कुछ लेके हम फ्लाइट तक पहुँचे जिसको एयर एम्बुलेंस बोलते हैं। एयर एम्बुलेंस तक पहुँचे तो वहाँ पायलट बोलता है कि मैं किसी एक ही रिलेटिव को साथ लेके जाऊँगा। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की प्लीज़ हम 2 लोगों को चलने दीजिए, वहाँ हम ध्यान कैसे देंगे मम्मी का, तो बोले अगर आपको एक को चलना है तो चलिए, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहिए। पेमेंट लेने के बाद वो इस टाइप की बातें करते हैं, इस तरीके का उन पायलट ने बर्ताव किया। हमने उनसे काफ़ी हाथ पाँव जोड़ के रिक्वेस्ट की, बोले आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रुक जाइए, हम जा रहे हैं यहाँ से। मैंने बोला मम्मी को लेके जाना ज़रूरी है, मैं एयर एम्बुलेंस में चढ़ गया। मैं अपने बड़े भैया को बोला पीछे से कोई दूसरी फ्लाइट में आइए। एयर एम्बुलेंस में चढ़ने के बाद पायलट ने 1 सेकंड वेट नहीं किया, उसने फ्लाइट टेक ऑफ कर दी, चलाना चालू कर दिया। मैंने बोला पहले उनको मास्क तो लगाइए, उनको सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, जो समस्या है उसी का समाधान नहीं हो रहा, उसी का सब। मैंने बोला पहले, बोले लगा रहे हैं आप टेंशन मत लो लगा रहे हैं। 15 मिनट उन लोगों अपना मशीन लगाते रहे। मैंने बोला प्लीज़ जल्दी लगाइए, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। 15 मिनट बाद उनको समझ में आ गया उनकी मशीन काम ही नहीं कर रही है। 15 मिनट तक वो अपनी मशीन को एक्टिवेट करते रहे, उनकी मशीन स्टार्ट नहीं हुई। 15 मिनट बाद उन्होंने हैंड पंप यूज़ करते हुए मेरी मम्मी को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, फिर उनको समझ में आ गया कि बात पूरी बिगड़ गई है। फिर वो डॉक्टर जाके पायलट से बात किए और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ।
फ्लाइट लैंड करने लग गई, मैंने सोचा 15-20 मिनट में हम हैदराबाद कैसे पहुंच गए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का टाइम था हैदराबाद पहुंचने का। तो मुझे पता चला इन्होंने फ्लाइट वापस रायपुर एयरपोर्ट में ही लैंड कर दी है। फिर वहां से जब मम्मी को वापस हॉस्पिटल लेके आए तो बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, तो जो सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि 6,11,000 रुपये आपसे एयर फ्लाइट का लिया गया था, एयर एम्बुलेंस का लिया गया था, उसमें सुविधा नहीं थी, आप लोगों ने जाके जब बात की रेड सर्विस वालों से तो उन्होंने क्या जवाब दिया उनका? सर जब हम वापस मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, रेड हेल्थ एम्बुलेंस की पूरी टीम, पूरी स्टाफ टीम, कम से कम 10-10 लोग वहाँ एट अ टाइम खड़े रहते, वो सब गायब हो गए थे, एक भी जन वहाँ नहीं था, इवन डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे। और उन्होंने उनके उसमें कोटेशन में क्लियर लिखा हुआ है, एक डॉक्टर रहेगा, एक ये रहेगा, 2 रिलेटिव्स रहेंगे, ना एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, डॉक्टर थे लेकिन एयर एम्बुलेंस में थे, रोड एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं था। आई थिंक ये सिर्फ बाबू खेमानी का पर्सनल मैटर नहीं है, हॉस्पिटल में हो रही ऐसी लापरवाही पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। पर समस्या ये है कि इतने वेल रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल पूरी बैकिंग के साथ चलते हैं, इनके पास कितनी पावर होगी, कितने पैसे होंगे, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे में आपके और हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, सोशल मीडिया का। तो इस वीडियो को देख रहे आप में से सभी व्यूअर्स से मेरी एक अपील है, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, अपने पावर का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें। बाबू खेमानी की सारी वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, आपके पास एक ही ताकत है सोशल मीडिया की, उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें।